चाहिए। दरिंदों पर बीजेपी सांसद का प्रेम उमड़ आया है फूट फूट कर। ये दरिंदों से मिलने के लिए जेल पहुंच गए हैं। ये जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम राजवीर दिलेर है, ये हाथरस के सांसद हैं। इन्हें किसकी परवाह है, दरिंदों की। उनसे मिलने के लिए कहां पहुंच गए, जेल पहुंच गए। लेकिन गनीमत यह रही कि जेलर ने कहा, माननीय सांसद जी हम आपको मिलने नहीं देंगे, आप वापस जाइए। हाथरस दरिंदों पर बीजेपी सांसद का ये प्रेम क्या दिखलाता है नरेंद्र प्रताप? देखिए राहुल, सीधी सी बात है कि अब उन्होंने जो भी एक्सक्यूज किया हो, जो भी कहानियां बनाई हो, लेकिन असली बात यह है कि वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्यूज जेल में बंद है उनसे मिलना, और पिछले कई से यहाँ जहाँ पे परिवार है, पीड़ित है, वहां पर अपनी शक्ल ना दिखाना, ये साबित करता है कि उनका जो प्रेम है वो आरोपी नहीं। गए थे वापस कर दिया गया इनको, वहां से भगा दिया गया। गए थे नरेंद्र, गए थे, लेकिन इन्हें वहां से भगा दिया गया था, मुझे याद है अच्छे से। बिल्कुल, इनको वहां से भगा दिया गया। उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि जो अभी की स्थितियां हैं पूरे जिले की, उससे कहीं ना कहीं जो जेल का जेलर है, जो अधीक्षक है, वो कहीं ना कहीं एक जांच के दायरे में आ जाएगा, उसको उसके ऊपर ये आरोप लगने लगेंगे, क्योंकि ये खबर भी बाहर निकल कर आई है। और इसी तरीके से अगर इनकी मुलाकात भी हो जाती तो वो चीज भी बाहर निकल कर आती, तो उससे बिल्कुल साफ है कि इनके जो जेलर है उसके ऊपर भी कुछ आरोप लगते हैं और उसके खिलाफ भी कोई जांच। नरेंद्र आप बने रहिए अलीगढ़ से। मुकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। मुकेश, क्या कहकर गए थे ये अलीगढ़ जेल में, किससे मिलने गए, आरोपियों से मिलने गए, जेलर ने क्या कहा, सब कुछ बताइए पूरे उत्तर प्रदेश को, सुनाइए बताइए। देखिए जिस तरह से ये जो हाथरस के सांसद है बीजेपी के राजवीर दिलेर, ये इन पर कई बार सवाल निशान उठ चुके हैं हाथरस कांड को लेकर। और ये अब एक दिन पहले पता लगता है कि ये जो जेल पहुंचते हैं और जेल पहुंचकर ये आरोपियों से मिलने पहुंचे हैं, वहां से निकलने के बाद जैसे लोगों की नजर पड़ी कि यह छिपते हुए नजर आए, जिससे सवाल किया गया तो इनका कहना है कि मैं एसएसपी ऑफिस एसएसपी से मिलने गया था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव निकले तो वहां मैं नहीं जा पाया, जबकि सबको पता है एसएसपी कोरोना पॉजिटिव पिछले एक हफ्ते से है। एसएसपी जेल में क्या कर रहे हैं, एसएसपी जेल में क्या कर रहे हैं, जेलर से मिलने गए, एसएसपी से क्या बोल रहे थे ये? इनका कहना है कि जेल के पास में, क्योंकि जेल के पास में एसएसपी आवाज भी है। अच्छा। तो वहाँ मिलने जाते हैं, जबकि एसएसपी का सभी को पता, पूरे जिले के तो ये इतने महान आदमी है कि कोविड पेशेंट से मिलने गए पहले चलने बाद इस तरह के ये बहाने लगाकर वहाँ आरोपियों से मिलने जाते हैं। तो इनका कहना है कि ये कोविड पेशेंट से मिलने गए थे, कोविड पेशेंट से, अब ये बदल रहे हैं अपना बयान जी, इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं एसएसपी से मिलने गया था, जबकि एसएसपी पहले से कोरोना पॉजिटिव है सभी को पता है। इस तरह के बयानबाजी करके बातों को बदल रहे हैं, जबकि ये साफ तौर से है कि जो कि जेल के अंदर ये आरोपियों से ही मिलने गए थे, इस तरह की बातें सामने पहले ही आ चुकी है। और ये जो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह की बातें पहले भी सामने आई थी, और जिस तरह से वहाँ यानी मुकेश निकल रहे थे तब जो हाथरस की गुड़िया के गुनहगार है, गड़बड़ा गए, जो हाथरस की गुड़िया के गुनहगार हैं उन पर और उनसे मिलने के लिए राजवीर दिलेर पहुंचे थे अलीगढ़ की जेल में। मुकेश जी, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। अभी तक जो सवाल आपके सामने थे इनके, क्योंकि जेल के अंदर कोई मतलब नहीं बनता उतने समय पर, और आरोपी बंद है और पहले ही आरोपी बंद हो चुके हैं और उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। चलिए मुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर सिंह दिलेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत समाचार के साथ। राजवीर सिंह दिलेर जी, पूरे उत्तर प्रदेश में ये खबर फैल गई कि गुड़िया के गुनहगारों से मिलने के लिए आप जेल पहुंच गए थे। सर मैं राजवीर दिलेर ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए, स्वागत सांसद जी आपका। सर ऐसा है, हाँ, कि मैं दो व्यक्तियों के अपने कार्यकर्ता है, उनके काम से एसएसबी ऑफिस आवाज में गया था। मुझे वो पता लगा कि एसएसबी महोदय कोरोना पॉजिटिव है। मैं वहां से वापस हो रहा था, जेल रास्ते में पड़ती है, वहां कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने हाथ दिया, मैं रुक गया था। वहां उनसे मैं खड़े होकर बात कर रहा था, जेल का फाटक बिल्कुल सामने था मेरे। अच्छा, जेलर साहब निकल के आ रहे थे जेल में से,
उन्होंने मुझे देखा तो मुझे मेरी उनसे दुआ सलाम हुई है और जेलर साहब मेरे पास आए, बोले सांसद जी एक कप चाय पी लीजिए। मैंने कहा भाई मेरी जेलर साहब आदर पी लूंगा, मैं भी लेने दू। अरे कि नहीं आ जाओ, मैं उनकी ऑफिस में बैठ के एक कप चाय पिए और मुझे एक प्रकट भी मुझे थोड़ा सा याद था, मैंने उनसे भी उनसे बात भी की। प्रकट के अच्छा के पास से सनम गंगा साहब जिस व्यक्ति की उम्र राजवीर जी देखिए दो तीन चीज राष्ट्रपति जी को एक पत्र भी लिख के मैंने दिया है। देखिए राजवीर जी दो तीन चीजें हैं, एक तो जेल के भीतर कोई ढाबा तो खुला नहीं है, दूसरी बात यह भी है कि एसएसपी तो एक हफ्ते से कोविड पॉजिटिव है, एक हफ्ते से जो मेरे पास रिपोर्ट है राजवीर जी, आप तो वहीं के सांसद हैं, एक हफ्ते से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। सर हम उसमें जो हस्त सगर चल रहा है हम वहां व्यस्त थे, हमें ये पता नहीं था कोरोना पॉजिटिव है वो एसएसपी। हमें जब उनके आवास पे जब पता चला गेट पे पहुंचे तब वहां से पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है, हम तुरंत वापस हो लिए थे वहां। तो यानी माननीय सांसद किसी से मिलने नहीं गए थे, जेलर के पास चाय पीने गए थे। सिर्फ चाय पीने गया हूँ मैं, किसी से मिलने नहीं गया था। इस प्रकार से चाय पीने का क्या प्रकार होता है ये, मेरा कोई मतलब नहीं सब चीजों से। नहीं तो कोई अगर जेल के भीतर चाय पीने जाएगा तो वो भी तो सवाल उठेगा ना कि जेल में उनके ऑफिस में गया हूँ मैं तो बैठ के, वहां तो बुला लेते हैं लोग मिलने के लिए, जो जेलर का ऑफिस होता है वहाँ कैदियों को बुला लेते हैं मिलने के लिए। नहीं साहब मैं किसी से मिलने नहीं गया हूँ, मैं बिल्कुल आपको साफ कह रहा हूँ मैं किसी मिलने के पर्पज से नहीं गया था, ये विपक्षी हवा दे रहे मेरी राजनीति को। हवा छोड़िए सर, अगर जेल में चाय पीने जाएंगे तो सवाल तो उठेगा, आप भी जानते हैं, आप भी सांसद हैं, अगर जेल के भीतर जेलर से आप चाय पीने गए जैसे आप एसएसपी के आवास जा रहे थे वैसे जेलर के भी आवास चले जाते, सवाल तो बहुत उठ रहे हैं ना कि वहाँ चाय पीने गए क्या करने गए। नहीं सर देखिए अब ऑफिस में जब कोई आदमी ले जाए तो चाय मंगा ले तो वहाँ भी पी लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। हम थाने में भी जाए तो थाने में भी ऐसा कहेगा सर चाय पीने के लिए, हमें चाय पीने को हम भी होते, ढाबा थाने में भी नहीं खुला हुआ है, मैं तो जेल की बात कर रहे हैं, ढाबा है ढाबे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उन्होंने चाय पीने को बुलाया, मैंने एक कप चाय पी उनकी, पांच मिनट रुका हूँ, एक वासुदेव गंगा साहब की बात की है और मैं चुपचाप तुरंत पांच मिनट पीछे चला आया। उधर आपने चाय पिया, उधर से खबर आ गई कि जेलर ने मना कर दिया कैदियों से मिलने के लिए। अब देखिए आप तो चाय पीने गए थे, वहां से आ गई कि आरोपियों से मिलने के लिए जेलर ने मना कर दिया, ये खबर आ गई ना राजवीर जी, आप तो चाय पीने गए उधर से खबर आ गई। सर मैंने तो कैदियों से मिलने गया, मैं जेलर से मैंने मिलने की बोला मुझे मिलवा दो, मैंने किसी से नहीं बोला कुछ भी, सिर्फ बात की है मैंने एक बार से गंगा साहब की बात जरूर की है, पांच मिनट चाय पीते अब तो निकल के बाहर आ गया हूँ मैं। नहीं आप तो चाय पीने गए थे उधर से ये खबर आ गई ना, आप तो मानवता में इंसानियत में चाय पीने गए होंगे, हो सकता है उधर से बोला गया कैदियों से मिलना चाह रहे थे ये बोला गया, आप बताइए इसमें ये तो सवाल तो उठेगा ना सांसद जी, सवाल तो उठेगा ना सर। देखिए ये आरोप गलत है मेरे ऊपर, दरअसल संजय राजेंद्र के तहत सबको फंसाने वाला मामला बना हुआ है, मैं ये पदयंत्र है, विपक्ष का पदयंत्र है ये, क्योंकि मेरी राजनीति बड़ी स्वच्छ साफ सफी के व्यक्ति हूँ मैं, मेरे पिताजी भी चार बार सांसद रहे वहां उसी हाथों से, ये विपक्ष इसको हवा देकर घुमा रहे होंगे, मेरा ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। नहीं आप भी इसके पहले भी गए थे पीड़िता के घर पे, वहां भी क्या हुआ वो देखा। अच्छा एक मिनट राजवीर सिंह जी, विधानमंडल दल की नेता कांग्रेस की आराधना मिश्रा जी जुड़ी है, आराधना मिश्रा जी भारत समाचार पर आपका बहुत स्वागत है। राजवीर जी कह रहे हैं कि मैं चाय पीने गया था, आरोपियों से मिलने नहीं गया था, चाय पीने गया था जेलर से, ये कह रहे हैं राजवीर जी, जुड़े हुए हैं आपके साथ लाइन टू लाइन है, आप क्या कहेंगे इस पर। मैं राजवीर जी एक माननीय सांसद हैं और उनका अधिकार है कि वो जेलर से मिलने जा सकते हैं। नहीं वो तो गए थे, एक मिनट मैम, एसएसपी से मिलने गए तो उनको कोरोना पॉजिटिव था तब मिल गए, जेलर से चले गए। हाँ बताइए बताइए प्लीज। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर वो केवल जेलर से चाय पीने का जो समय था ये तो वही बता पाएंगे कि ये समय सिर्फ चाय पीने का था या वहाँ पे किसी से मिलने गए थे। अगर ये मिलने गए थे तो मैं ये मानती हूँ कि इससे बड़ा दुखद नहीं हो सकता कुछ भी, जहाँ एक तरफ हाथरस की बेटी के लिए पूरा देश उसकी न्याय की लड़ाई को लड़ रहा हो और जिस हाथरस की जनता ने इतने विश्वास के साथ अपने सांसद को दिखाया हो उनके सहानुभूति परिवार के साथ होनी चाहिए, ना कि उन लोगों के साथ जो इसमें अभी आरोपी हैं।
राजवीर जी, आपकी सहानुभूति परिवार के साथ होनी चाहिए, ना कि आरोपियों के साथ। ये तो विधानमंडल दल की नेता कांग्रेस की आराधना मिश्रा कह रही हैं आपसे। देखिए देखिए भाई साहब, हाँ मेरी आप पूछेंगे तो मैं उस महासहानुभूति मेरी कम नहीं है। मैंने उसको दिल्ली में हॉस्पिटल तक का कराया है। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात भी की इनको राशि देने के लिए, इनकी मदद करने के लिए। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ आज भी। मैं दलित हूँ, दलित की बेटी, उसके दलित की बेटी के साथ खड़ा हूँ आज भी। मेरा ऐसा नहीं है, मैं आज भी उनके साथ हूँ। लेकिन आरोपी से किसी से मिलने नहीं गया हूँ मैं। सिर्फ जेनाय साहब के साथ मिलने पे, उनके आग्रह करने पे उनके ऑफिस में 5 मिनट बैठा हूँ। उन्होंने चाय मांगी, एक कप चाय पी है। मैंने आरोपी से किसी से मिलने नहीं गया हूँ। ये सिर्फ आरोप निराधार है। आराधना जी, के साथ हूँ सर, ठीक है। आराधना जी, आप राजवीर सिंह दिलेर सांसद हाथरस की बात से सहमत हैं? आप भी सुन रही हैं, उन्होंने जो कहा कि वो चाय पीने गए थे, कोई कुछ नहीं मिलने गए थे किसी से, कुछ कोई गोपनीय मीटिंग नहीं हुई, कोई गोपनीय मीटिंग नहीं हुई कह रहे हैं। देखिए ये तो मैंने आपके समाचार मरा समाचार पर ही खबर देखी है कि जिसमें पता लगा कि वो उसी जेल में जेल से मिलने गए थे जहाँ पे वो आरोपी बंद है। तो नहीं, वहाँ पे आरोपी है, उसी जेल में आरोपी है, ये तो आप लॉक कर दीजिए मैम। ये आप, मैं बिल्कुल विश्वसनीयता से आप कह रहे हैं तो मुझे भी पूरा भरोसा है। एक जनप्रतिनिधि को बहुत सारी चीजों को, परिस्थितियों को देखते हुए अवॉइड करना चाहिए। अगर वहाँ पे आरोपी हैं तो वहाँ चाय पीने इन परिस्थितियों में जाना, तो इस तरह के प्रश्न तो उठेंगे सांसद जी के सामने, ये सामान्य बात है। अरे राजवीर जी, आप 7 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, 7 से 8 लाख लोगों का। अब वहां जब वो आरोपी थे, जब चाय पीने जाएंगे तो आराधना जी कह रही भाई सवाल तो उठेंगे कि आग लगी है। देखिए भाई साहब, हाँ। मेरी कोई चाय पहले से नियुक्त नहीं थी वहाँ। अच्छा, मुझे वहाँ जाके चाय पीनी है। मैं तो SSP कोरोना पॉजिटिव से वापस हो रहा था। मैंने आपको सब कुछ बताया है। जेलर साहब आ गए और वो गेट के बाहर ही खड़े थे, वहां पे खड़े थे, बात कर रहे थे। वो मुझसे बोले सांसद जी आओ बैठो, जाओ 2 मिनट बैठ लो, चाय पी दो। जिनसे बोलते इतनी बात हुई। मैंने आपको बताया कि वासुदेव सनोफ गंगा साय एक उम्र कैद का व्यक्ति है, उसकी उसके लिए मैं कार्रवाई कराने के लिए इनको। ठीक है, एक लास्ट स्टेटमेंट लेते हैं आराधना जी से। देखिए आराधना जी, वो मिलने गए थे SSP से, जेलर बाहर आ गए, अब सदाचार में अंदर चले गए चाय पीने, ये राजवीर सिंह जी दिलेर का कहना है। बाकी विपक्षी हवा ना दें, ये कह रहे हैं वो। अब इस पर फाइनल कमेंट मैडम। किसने कितने लोगों को इस बीच बात की सफाई देंगे माननीय सांसद जी? मैं फिर इस बात को दोहराऊंगी कि जब परिस्थितियां इतनी विपरीत है और पूरी देश और पूरी दुनिया देख रही है हाथरस की तरफ, और उस हाथरस का जनप्रतिनिधि अगर इन परिस्थितियों में उस जेल के जेलर से मिलने जाएगा जहां अभियोग बंद है, तो ये तो बहुत ही सामान्य बात है कि प्रश्न उठेंगे उनके ऊपर। और सफाई, उनको इन चीजों से बचना चाहिए अगर वो वाकई चाहते हैं बेटी को न्याय मिले। आप मुझे बताइए, यही तो हुआ था उन्नाव की घटना में, बिल्कुल, जहाँ के विधायक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजवीर जी आपका भी, आराधना मिश्रा जी आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए। अलीगढ़ के सांसद राजवीर सिंह दिलेर ने कहा कि बच्चे निर्दोष है या दोषी है ये CBI जांच में सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, उन्होंने CBI जांच करा रहे हैं। वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये फिक्र भी क्लियर हो जाएगा। मिलने की इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए सबको। आरोपी को दोषी निर्दोष जैसे भी हैं बच्चे, वो CBI जांच में निकल के आ जाएंगे। उस प्रकार से मुझे मत जोड़िए, मैं किसी से मिलने नहीं गया हूँ। सच्ची